वॉट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? ऑल द अदर थिंग्स रिमेन सेम, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर वन कॉमोडिटी. अगर किसी का भी परसेंट चेंज होता है ऑफ वन कॉमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटी, मतलब चेंज इन डिमांड ऑफ वन कॉमोडिटी, अगर किसी भी एक कॉमोडिटी में चेंज आया किसी दूसरी कॉमोडिटी की वजह से, उसको इट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, एक जैसे एक चीज का डिमांड बढ़ा क्योंकि दूसरा चीज का डिमांड बढ़ा. कैसे, चलो एक एग्जांपल लेते हैं बिल्डिंग का. अगर हम लोग बिल्डिंग बनाने जाएंगे तो हमें ब्रिक्स भी चाहिएगा, सीमेंट भी चाहिएगा, मिट्टी भी चाहिएगा, सब चाहिएगा. अगर बिल्डिंग तो एक चीज हम लोग को खाली बिल्डिंग करने के लिए, अगर मिट्टी का सॉरी अगर ब्रिक्स का डिमांड बढ़ा तो सबका बढ़ेगा, सीमेंट भी चाहिए होगा, वाटर भी चाहिए होगा, तो सब खरीदना पड़ेगा. तो एक की वजह से सबका डिमांड बढ़ रहा है तो उसी को बोलेंगे हम लोग. इन अदर वर्ड्स, चेंज इन रेट ऑफ डिमांड ऑफ वन कॉमोडिटी विथ चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज चेंज इन रेट ऑफ डिमांड ऑफ वन कॉमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन द प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटी. ठीक है, इसमें बहुत सारा डेफिनेशन है. दैट इज जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन देयर इज नो चेंज इन रेट ऑफ डिमांड. अगर डिमांड में कहीं चेंज नहीं आता है ऑफ वन कॉमोडिटी, एज अ रिजल्ट चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटी. अगर किसी भी चीज का प्राइस अगर चेंज होता है तो उसमें अगर क्वांटिटी में इफेक्ट नहीं आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट इज फाउंड इन केस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स लाइक पेन एंड मिल्क. पेन एंड मिल्क, ठीक है. उसके बाद क्या बोला, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम इनकम. पॉजिटिव और नेगेटिव अभी हम लोग ऊपर पढ़े ही थे, वही सेम है.